हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं डबल डेकर मिनी पिज्जा। तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सब चीजें। ये देखिए, ये चीज़ है ओरिगेनो, ये है शिमला मिर्च, ये हमने फ्राई की थी सारी सब्जियां, ये वो है, ये चीज हो गई, ये वो कैरेट, ये ऑनियन और पोटैटो, और ये हो गया हमारा टमाटो सॉस, और ये हमारा पिज्जा पिज्जा वाला सॉस, ठीक है, और ये हमारी चीज। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे टमाटो सॉस। तो आप आधा चम्मच भी ले सकते हो, एक चम्मच भी ले सकते हो, हमने ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। और अब हम डालने जा रहे हैं, पहले हम इसको ढंग से फैला लेने का, वरना ये ढंग से फैल जाएगा। बस बस बस, ये मैंने ज्यादा लिया, आप इससे थोड़ी सी कम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको फैला ही देते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने अभी फैला लिया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर फ्राई करी हुई वेजिटेबल्स जो हमने पहले फ्राई कर ली थी, ठीक है। अब हम ये साइड डालते हैं इस तरीके से, आपको ढंग से डालनी है भर भर के, मतलब ये कम ना हो इसे, इस तरीके से। ये देखिए हमारा मैंने हमारे मिनी पिज्जा में दो लेयर्स होती हैं, तो हमने पहली लेयर तो हमारी तैयार करी वो फ्राई करी हुई वेजिटेबल्स, ठीक है भाई। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये चीज़, ये देखिए इस तरीके से। अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये चिली फ्लेक्स, इसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा और ठीक है ना, ये चिली फ्लेक्स थोड़ी सी कम करके इसलिए हम वापस ले रहे हैं, इसका हम लेंगे चिटकी भर। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर दूसरी लेयर, ये देखिए इस प्रकार से। हाँ, इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ कच्ची सॉस, और इसमें आप एक टेबल स्पून दे सकते हैं सॉस, और जो दूसरे वाले स्पून वो जो दूसरे वाला सॉस होता है आप उसको कम यूज़ में लिए, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा, ये भी हमने एक चम्मच ले लिए, ये देखिए इस तरीके से। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये कच्ची सब्जियाँ, ठीक है। हम सबसे पहले आ गया इसके अंदर ऑनियन, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कैरेट, टमाटो, शिमला मिर्च एंड कॉर्न, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़, अब ये हो चुका है तैयार, अब इसको हम करेंगे बेक। उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स, फिर ऑरिगैनो, विद चटकी पर, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसको करते हैं बेक माइक्रोवेव, चलिए पहले हम इसको खोलेंगे। अब इसमें हम रखेंगे मिनी पिज्जा, अब हमने इसमें रख दिया है, अब इसको कर देंगे हम बंद, इसको कर देंगे हम मीडियम हाई पे, और इसको कर देंगे हम 5 मिनट तक। अब ये हो चुका है बेक, अब हम इसको निकाल देते हैं, ये गर्म होगा तो इसको कपड़े से निकालना, ठीक है, मुझे तो बढ़िया समझ में। तो अभी निकल चुका है, अब हम इसे रखते हैं प्लेट में, अब हम इसको खाने का। तो अब करेगी अनन्या टेस्ट, चलिए तो अनन्या बताइए कैसा है खाने में। हाँ तो बताइए कैसा है, व्हाट इज द गॉल, टेस्ट करती हूँ मैं। अब करिए लवली टेस्ट, देखते हैं लवली को कैसा लगता है हमको, तो मेरे को मेरा बात टेस्ट लगा, कैसा लगा लवली टेस्टी है, देखो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।